नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला आज आपके सामने लोअर मेंस की इस क्लास में हम लोग ट्रेंगल देख रहे थे, है ना। इससे पहले की क्लास में ज्योमेट्री में आज ट्रेंगल को और आगे थोड़ा देखेंगे हम। आज कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे, सिमिलरिटी देखेंगे, जो समरूपता होती है त्रिभुज की, और साथ में ही जो विभिन्न केंद्र होते हैं त्रिभुज के वो देखेंगे, और इसके साथ हम अपना ट्रेंगल आज त्रिभुज खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वृत्त को पढ़ेंगे, सर्कल को पढ़ेंगे, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये ऐसे हमारा सर्कल एक बार कंप्लीट हो जाएगा, ट्रेंगल कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा पूरा ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग 2D और 3D को अप्रोच करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, जहाँ पर हम लोग ट्रेंगल की प्रॉपर्टी देख रहे थे। इससे पहले वाले में मैं आपको पूरा एंगल, लाइन और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किया था, उम्मीद है आपको याद होगा, और जो लोग नहीं देखे होंगे वो अभी भी जाके उस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो ये ज़्यादा समझ में आने वाला है। केवल प्रॉपर्टी से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में आपके, कई बार इस पे बेस क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। कई बार क्या होता है थ्योरम पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये चीज़ें हमें अच्छे से समझना है कि आखिर जो ट्रेंगल है, त्रिभुज है, उसमें विभिन्न प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जो केंद्र हैं वो क्या हैं, और कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी पे कैसे क्वेश्चन बनता है। तो बेसिकली जो पहला होगा हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे, है ना, और दूसरा पढ़ेंगे सिमिलरिटी, समरूपता जिसे बोलते हैं त्रिभुज के। लगभग दोनों सेम चीज़ें हैं, लेकिन दोनों में तब भी अलग हैं। अलग क्या है, कॉन्ग्रुएंट क्या बोला जाता है, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कब कहा जाता है, जब कोई दो त्रिभुज सिमिलर शेप के हों और सिमिलर साइज के हों। कहने का मतलब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का एकदम टू कॉपी हो, डुप्लीकेट हो, ऐसा बोल सकते हो, तो बोला जाएगा कि वो दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो, अगर आप देखो एक त्रिभुज को उठा के दूसरे त्रिभुज पर रख दिया जाए और वो सुपर इम्पोज कर जाए, मतलब कि ये भुजा इसके ये भुजा पे आ जाए, ये भुजा ये भुजा पे आ जाए, और ये भुजा इस भुजा पे आ जाए, और फिर पूरा का पूरा क्षेत्र कवर कर ले, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इस पर बहुत सारे सवाल बन जाते हैं, हालांकि ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो सिमिलरिटी में बनते हैं, समरूपता में बनते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी को हम साथ साथ में देखेंगे और सिमिलरिटी को ज़्यादा फोकस करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, आखिर त्रिभुज की समरूपता क्या है। तो देखते हैं, सबसे पहले आते हैं कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं, और अगर किसी त्रिभुज की कॉन्ग्रुएंसी की बात करें, उम्मीद है ये आपको सही से दिख रहा होगा, है ना। अगर ब्राइटनेस में चेक कर लेता हूँ, सारा रिड्यूस कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका जो मेन है, अगर कॉन्ग्रुएंसी की बात किया जाए तो कितने तरीके से ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, उम्मीद है इस चीज़ को आप पहले भी पढ़े होंगे, तो मैं बहुत डिटेल में इसके अंदर में नहीं जा रहा हूँ, उसकी परिभाषा में बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन हमारे पास जो पांच मेन प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, एक तो होती है SSS। इस SSS का मतलब क्या है, SSS का मतलब ये होता है कि आपके तीनों जो भुजा हैं, तीनों जो साइड है, S4 यहाँ पे साइड है, किसकी, त्रिभुज की। आप अगर इस फिगर को देख पा रहे होगे, तो ये अगर मैं इसे डिनोट कर दूँ, ये A है, ये B है और ये C है, है ना। ऐसे ही मगर इसे डिनोट कर दूँ, ये मान लो P है, ये Q है, ये R है, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि जो AC है वो PR के बराबर है। एक लाइन से बताया जाता है कि यहाँ पे ये बराबर है, दूसरी भुजा को डिनोट करने के लिए यहाँ पे दो लाइन खींचा गया है, और ए बी और पी क्यू बराबर है, और ठीक ऐसे बी सी और क्यू आर बराबर है। अगर तीन भुजाएं आपस में बराबर हो गई, ध्यान दीजिएगा मैं बराबर की बात कर रहा हूँ, कहने का मतलब कि अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये 7 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, और त्रिभुज का जो दोनों त्रिभुज है उसका शेप एक जैसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा हो और दूसरा आपका कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन रहा हो या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बन रहा हो, नहीं, दोनों का शेप भी सिमिलर होना चाहिए और साइज भी सिमिलर होना चाहिए। शेप से कहने का मतलब ये हो गया कि अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो दूसरा भी समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। अगर पहला आइसोसेलस है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो दूसरा भी समद्विबाहु त्रिभुज ही होना चाहिए, तब जाके इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या कह पाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कह पाएंगे। दूसरी बात और आप अच्छे समझिएगा, यहाँ पे जो दो चीज़ें बोलता है क्या, शेप और साइज, इसकी बहुत बड़ा यूज है शेप एंड साइज का।
अगर दो त्रिभुज का शेप और साइज बराबर हो गया तो उसका क्षेत्रफल भी बराबर हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा। और यही मैं कहा कि अगर एक त्रिभुज जिसका सिमिलर शेप और साइज है उसे उठा के दूसरे पे रख दिया जाए, पूरा सुपर इम्पोज कर जाए, मतलब दोनों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर हो जाए, तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाया जाएगा, कॉन्गुरेंट कहलाया जाएगा। अभी हम डेफिनेशन को समझेंगे, फिर हम समझेंगे यहाँ पे प्रश्न कैसे बन सकते हैं और क्या इसका उपयोगिता है इस पूरे चैप्टर में। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो एस ए एस है। अब समझिएगा, जो यहाँ पे एस 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 लिखा है, एस ए एस लिखा है, इसका भी अपना एक रोल है। जैसे आप बोलोगे कि ये एस ए एस लिखा है, मैं इसे ए एस ए एस ए ए एस एस भी लिख सकता हूँ, तीन ही चीज़ तो ले रहा हूँ, एक साइड ले रहा हूँ, एक एंगल ले रहा हूँ और दूसरी साइड ले रहा हूँ, ऐसे एक एंगल ले रहा हूँ, एक साइड ले रहा हूँ, दूसरी साइड ले रहा हूँ, लेकिन ये दोनों चीज़ें अलग है। अगर मैं ये एस ए एस बोल रहा हूँ तो इसके कहने का मतलब कि अगर हम कोई दो त्रिभुज ले रहे हैं तो दो त्रिभुज में एक साइड और एक साइड इसके बराबर हो, दूसरी साइड के बीच का जो एंगल है ये दोनों एंगल इन दोनों साइड के बराबर होने चाहिए। बात समझ में आ रहा है? अगर हम यही ए एस एस करते तो हम ये एंगल लेते, साइड ये लेते, तो साइड हमारा दूसरा ये हो जाता, लेकिन ये एंगल बीच में है तो इसके कहने का मतलब है कि दो साइड के बीच में एंगल आना चाहिए, यानी एक साइड ये हुआ, एक साइड ये हुआ, और ठीक ऐसे एक साइड हुआ, एक साइड ये हुआ, और उनके बीच का जो ये एंगल है उसकी बात कर रहे हैं। इससे क्या है, आप समझिएगा इसे बहुत डिटेल में, अगर ऐसे समझिए कि अगर ये दोनों कोण बराबर हो गए और ये दोनों भुजा बराबर हो गई तो जाहिर सी बात है इनका जो फैलाव होगा वो बराबर होगा, तो ये वाली भुजा अपने आप बराबर हो जाएगी, अपने आप बराबर हो जाएगी। तो अगर हम ए एस ए एस को देखेंगे, एस ए एस को देखेंगे, तो फिर से हमें क्या मिल जाएगा, एस 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 मिल जाएगा, यानी ऐसी भी प्रॉपर्टी हमारी क्या कर देगी, दो त्रिभुज को कॉन्गुरेंट कर देगी। कॉन्गुरेंसी से फायदा ये हो जाता है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि दो त्रिभुज आपस में कॉन्गुरेंट हैं, तो कई बार क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन देगा, सपोज करो कि ये चार दे दिया, ये पांच दे दिया, ये कोण दे दिया, यहां पे ये भी दे दिया चार, ये पांच, इस कोण का डायरेक्ट मेजरमेंट पूछ लेता है, या कई बार इसका क्षेत्रफल पूछ लेता है। तो जब आपको पता होता है कि दो त्रिभुज आपस में कॉन्गुरेंट है, तो अगर इसका क्षेत्रफल निकाल लिए तो वही क्षेत्रफल इस वाले ट्रायंगल का भी हो जाएगा और आपका डायरेक्ट यहां पर उत्तर आ जाता है। ठीक है, इसे जो तीसरा है वो ए एस ए है, मतलब अब यहां पे हमें दो एंगल को लेना है और दो एंगल को लेना है, बीच में आप देख पा रहे हो साइड है, तो दो एंगल के बीच में साइड होना चाहिए। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर है और ये जो साइड है ये इसके बराबर है, तो एंगल फिर साइड फिर एंगल, यानी कि ये जो एंगल होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा। आप यहां पे देख पा रहे होगे जो साइड है वो दो एंगल के बराबर है। अभी इस केस में फिर से देखो, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, अब अगर ये इसके बराबर हो गया तो इस लाइन से इसकी जो दूरी होगी वो बराबर होगी, ऐसे ठीक है, इस वाले लाइन से इसकी दूरी बराबर होगी। और सिमिलरली अब ये लाइन कॉमन है, ये लाइन कॉमन है, फिर से ये एंगल बराबर हो गया, तो ये वाली दूरी बराबर हो गई। तो जब ये चीज़ का फैलाव बराबर है तो आप जिधर भी बढ़ाओगे, आप ऐसे समझो, अलग से समझो कि मैं कोई एक ऐसे लाइन लूँ और यहाँ से एक मैं ऐसे कोण बनाऊँ और यहाँ से भी एक कोण बनाऊँ, अभी दूसरी भी मैं लाइन लूँ और यहाँ पे भी एक ऐसा कोण बनाऊँ और दूसरा भी ऐसा कोण बनाऊँ, तो मैं जब इधर इसे फैलाऊँगा और इसे फैलाऊँगा तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, इस केस में भी जहाँ पे मैं फैलाऊँगा और दूसरे पे फैलाऊँगा तो इंटरसेक्ट करेगा, ये दोनों पॉइंट सिमिलर डिस्टेंस पे होंगी, तो फिर से ये साइड साइड आपस में बराबर हो जाएगा और ये फिर एस 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 को फॉलो कर जाएगा, यानी ये दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, दोनों त्रिभुज कहलाएंगे, फिर से कॉन्गुरेंट हो गए। ठीक है, इसे जो चौथी प्रॉपर्टी है ए ए एस की, इसमें भी क्या है कि दो एंगल और एक साइड, मतलब दो एंगल बगल बगल का लेगा, जैसे ये एंगल बराबर है और ये एंगल बराबर है, समझिएगा उसके सामने की बात कर रहे हैं। अभी सिमिलरिटी पे हमें और ध्यान देना होगा, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, जहाँ पे वहाँ पे आएंगे तो और अच्छे से मैं बताऊँगा। और इन दोनों से जो जुड़ा हुआ एक भुजा है, देखो इस वाले एंगल से जुड़ा हुआ करेस्पॉन्डिंग एक लाइन में चलना चाहिए, अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो क्लॉकवाइज, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ए ए एस की भी प्रॉपर्टी है तो भी दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, कॉन्गोरेंट हो जाएंगे। अभी इसमें समझते हैं इसमें क्या हुआ, भाई जब दो एंगल बराबर हो गए और एक ये एक हमारा क्या भुजा बराबर हो गया, भाई ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के अपने आप बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अपने आप बराबर हो जाएगा। तो अभी इस केस में तीनों एंगल बराबर हो गए और एक साइड बराबर हो गया, तो फिर से तीनों साइड बराबर हो जाएंगी, यानी ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, ये त्रिभुज इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा, पूरा सुपर इम्पोज कर जाएगा, तो सब कुछ इसका बराबर हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, इसकी परिधि बराबर हो जाएगी, इसके सारे रेशियो
रेशियो बराबर हो जाएंगे, सब कुछ बराबर हो जाएगा और फिर बोलेंगे ये ट्रेंगल आपस में क्या है, कॉन्गुरेंट है। जो पांचवी प्रॉपर्टी है वो क्या है, आरएचएस। आरएचएस का मतलब ये नहीं कि राइट हैंड साइड, आरएचएस मतलब होता है यहाँ पे राइट एंगल, है ना, राइट एंगल। एच का मतलब है यहाँ पे हाइपोटेनस, मतलब कि जो आपका कर्ण है, और एस मतलब एक साइड, मतलब कि अगर दो त्रिभुज है जिसमें एक जो कोण है वो 90 डिग्री का है, यहाँ पे भी 90 है यहाँ पे भी 90 है, तो दोनों बराबर ही होंगे, 90-90 बराबर होंगे। दूसरे में बोल रहा है कि हाइपोटेनस मतलब कि जो कर्ण है ये आपका, ये भी बराबर हो। अब ये एंगल उसके जस्ट सामने वाली भुजा बराबर हो गई, ये एंगल इसके जस्ट सामने वाली भुजा बराबर हो गई, तो फिर से फैलाव बराबर हो गया, ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाएंगी, जिसमें एक का तो बराबर दे ही दिया, तो फिर से ये उसी प्रॉपर्टी के समरूप हो जाएगा, तो फिर से बोलेंगे कि ये दोनों आपस में त्रिभुज जो है वो क्या हो जाएंगे, ये फिर से कॉन्गुरेंट हो जाएंगे। तो बेसिकली कॉन्गुरेंसी के आपके पास पाँच प्रॉपर्टी है, पाँच प्रॉपर्टी है और सब जुड़े हुए हैं एस 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 से, यानी कि अगर आपका एस 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 है तो आपका एस ए एस वाला भी फॉलो कर जाएगा, आपका आर एच एस वाला भी फॉलो हो जाएगा, आपका ए ए एस भी फॉलो हो जाएगा, है ना, और ए एस ए भी फॉलो हो जाएगा, ये पांच के पांचों आपके फॉलो हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज और जरूरी है, समझिएगा, कॉन्ग्रुएंसी के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, क्या जरूरी होता है, शेप और साइज, शेप एंड साइज, और नहीं होना चाहिए, शेप या साइज नहीं, शेप और साइज दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब ये भी शेप भी उसका आकार भी वैसा हो और साइज भी। साइज से मतलब क्या है, साइज से मतलब ये है कि उसकी परिधि भी बराबर होनी चाहिए। अब परिधि की बात आई तो क्या दो त्रिभुज की अगर परिधि बराबर है तो क्या वो दोनों हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे, एक बार देख लेते हैं। सपोज करो कि एक ये आपका ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, है ना, इसकी भुजा 3 है 4 है 5 है, परिधि कितनी हुई इसकी, परिधि जोड़ोगे तो 5 4 9 3 12 हो गया। अभी मैं एक दूसरा त्रिभुज ले लूँ और इसकी भी 4 इसकी भी 4 इसकी भी 4, इसकी भी परिधि कितनी है, इसकी परिधि भाई P1 लिखो बराबर 12 लिखोगे, 5 4 9 3 12, और P2 बराबर लिखोगे तो भी 12 होगा। तो क्या अगर दो त्रिभुज के पेरीमीटर बराबर हो जाएं तो वो दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट होंगे, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। आप देख पा रहे होगे ये त्रिभुज मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ये 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल है, जबकि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसीलिए मैंने बोला कि दोनों की शेप बराबर होनी चाहिए, क्योंकि परिधि बराबर होने के बाद भी वो जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो ये बहुत बेसिक सा पॉइंट है जो आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में खासकर जिस एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हो, UP SSC मेंस लोअर मेंस जो लगा हुआ है, वहां पे डायरेक्ट प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछ लेगा, कूट बना के क्वेश्चन पूछ लेगा, तो ये छोटी छोटी बातें हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से होनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। और दूसरी बात देखो, एस एस ए जो है वो सफिशियंट नहीं होगा कॉन्ग्रुएंसी को करने के लिए। जैसे सपोज करिएगा, ये मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा है, यहाँ पे क्या है, दो भुजा आपस में बराबर है, दो भुजा जैसे आप इस वाले भुजा को देखो और इस वाले भुजा को देखो तो 6-6 बराबर है, ये भी 11-11 बराबर है, इसका भी कोण 30 है, इसका भी कोण 30 है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। क्यों, क्योंकि भाई 6 मैं इधर खींच रहा हूँ, मैं 6 को इधर भी तो खींच सकता हूँ, जैसे मैंने दूसरे वाले फिगर में खींचा, ऐसे भी तो हो सकता है। तो ये वाली साइड बराबर हुई क्या, ये वाली साइड बराबर नहीं हुई, यहाँ पे ये है और दूसरे त्रिभुज में आप इस चीज़ को देख पा रहे होगे, ये 6 यहाँ पे जाके मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, वहाँ पे जाके मिल रहा है। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि ये वाली आपकी भुजा बराबर नहीं हो पाएगी, तो ट्रिपल एस की क्वालिटी आ ही नहीं पाएगी, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाएगा। इसलिए कभी भी अगर एस एस ए पे आ जाए तो आप कभी भी उसे कॉन्ग्रुएंट मत बोलिएगा, वरना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा पार्ट है हमारा, सिमिलरिटी है। तो मेनली सिमिलरिटी पे ही क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, इसलिए हम कॉन्ग्रुएंसी को ज्यादा नहीं किया, क्योंकि वहां पे तो जब सब अगर दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो गया, एक चीज और मैं समझाता हूं आपको, एग्जाम में अगर कॉन्ग्रुएंसी पे क्वेश्चन आ गया, कॉन्ग्रुएंसी पे क्वेश्चन आ गया, तो जाहिर सी बात है आपको आइडिया वहाँ पे तुरंत लग जाएगा, कुछ थोड़ा सा दिख जाएगा तुरंत ही कि ये दो त्रिभुज आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसका सब कुछ बराबर हो गया, सब कुछ बराबर हो गया तो आपके पास 4 विकल्प दिए होते हैं, और वहाँ से जब मैं प्रश्न कराऊंगा तो आप इस बात को समझाऊंगा, आप तुरंत कर ले जाओगे, देखते ही आप ऑप्शन से चेक कर ले जाओगे, और यही कारण होता है एग्जाम में कॉन्ग्रुएंसी से क्वेश्चन नहीं आते हैं। प्रश्न कहाँ से आते हैं, सिमिलरिटी से आते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी के नाम पे थोड़ा कम होता है लेकिन पूछने के नाम पे थोड़ा ज़्यादा होता है। इस बात को समझते हैं मैंने ये क्या बोला, अगर आप किसी ट्रायंगल की सिमिलरिटी चेक करोगे तो आपके पास क्या रहेगा, या तो आपके पास ए ए से चेक कर सकते हो, या आप एस ए एस से चेक कर सकते हो, और या आप एस 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 से चेक कर सकते हो। एस 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 वाला तो क्या हो गया भाई, तीनों भुजा बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट ही हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सिमिलर हो जाएगा। कहने का मतलब अगर कोई भी दो त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रुएंट है,
कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर पक्का पक्का होगा, है ना, वो सिमिलर पक्का पक्का होगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर त्रिभुज आपस में सिमिलर हो तो वो कॉन्ग्रुएंट भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कॉन्ग्रुएंट है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिमिलर हो, लेकिन अगर सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट होने का जरूरी है, ऐसा नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा समझिएगा, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर तो कन्फर्म रहेगा, कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर कन्फर्म रहेगा, लेकिन सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट कोई हो वो ज़रूरी नहीं है। इस बात को आप अच्छे समझिएगा। इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ अच्छे से यहाँ पर समझाता हूँ। सबसे पहले अगर सिमिलरिटी का केस ए ए का ले लें, भाई दो त्रिभुज है मेरे पास, एक ए बी सी है, ए बी और सी है, और दूसरा क्या है पी क्यू आर है, मेरे पास दो त्रिभुज है, है ना। अभी इनके सेप बराबर नहीं है, क्या है सेप बराबर नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी में तो सेप और साइज जरूरी होना चाहिए, लेकिन सिमिलरिटी में सेप और साइज कोई जरूरी नहीं कि बराबर हो। तो सेप हो सकता है बराबर हो, साइज बराबर नहीं है, ये दोनों त्रिभुज को मुझे सिमिलर प्रूफ करना है। लेकिन वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि दो जो आपके एंगल हैं वो बराबर हैं, अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है तो जाहिर सी बात है कि ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज का सारे आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो इन दोनों का योग 180 में से माइनस करेंगे, इन दोनों का योग 180 माइनस करेंगे तो दोनों सेम ही चीज आएगी ना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये जो ए ए ए है ये कायदे से ट्रिपल ए है और तीनों का एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहाँ पे दो चीज़ हम समझते हैं, क्या अगर दो त्रिभुज का तीनों कोण बराबर हो जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, हमेशा कॉन्ग्रुएंट रहेगा, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखो, मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता हूँ, ये यहाँ पे भी 60-60 है, इसकी भुजा 4-4-4 है। मैं दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता हूँ जिसकी भुजा 7-7-7 है, सभी का कोण 60-60 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 60-60 है, क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि सेप तो सिमिलर है, सेप तो दोनों का बराबर है, सेप वन बराबर सेप टू है, लेकिन साइज वन बराबर साइज टू है क्या? नहीं है, साइज वन बराबर साइज टू नहीं है, फिर भी ये सिमिलर है और यही कारण है सिमिलरिटी पे फोकस ज़्यादा होता है। तो सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी हैं? हमारे पास तीन प्रॉपर्टी हैं। पहला तो अगर कोई भी दो त्रिभुज के दो अगर कोण बराबर हो गए, दो एंगल बराबर हो गए तो वो दोनों त्रिभुज हमारे क्या कहलाएंगे? सिमिलर कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे, या एस ए एस हो। जैसे आप समझिएगा, ये ए ए का है, मैं एक एक करके समझा देता हूँ। ये ए ए का है, यहाँ पे एक कोण ये बराबर है, ये 72 है तो ये भी 72 है, ये 35 है तो ये भी 35 है। अब इसे जोड़ोगे अगर आप तो 5 2 7 और 7 3 10 107 हो जाएगा, 107 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 107 माइनस करोगे। अगर 180 में से 107 माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एग्जैक्टली आ जाएगा। तो ये आपका 73 डिग्री हुआ। और ठीक ऐसे अगर आप यहाँ पे भी वही काम करोगे तो यहाँ पे भी तो 73 डिग्री आएगा, क्योंकि 72 35 72 35 बराबर है, तो तीनों एंगल बराबर हो गए, तो सिमिलर हो गया। लेकिन अभी चेक करते हैं, हमें तीन एंगल निकालने की जरूरत क्या है, जब दो एंगल हमारे बराबर हो गए तो सिमिलर हो ही गया, पता ही चल गया हमें। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे कंडीशन क्या है, कुछ खास बातें यहाँ पे समझते हैं। सपोज करो कि अगर इस ट्रायंगल का नाम ए बी और सी है, ध्यान देना जो मैं कहने जा रहा हूँ उस बात को बहुत ध्यान से समझना, और इसका जो कोण है इसका पी क्यू और आर है। अब मैं आपको बोलूँ कि आप लिखो, डिनोट करो कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सिमिलर है, तो आप कैसे लिखोगे? यहाँ पे इस बात का ध्यान देना है, अभी आप बोलोगे कि ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, क्या ये लिखा सही है? क्या ये सही है? मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, मैं लिख दिया हूँ कि ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, क्या मैंने ये सही लिखा है? एग्जैक्टली हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करना पड़ेगा? ए बी सी पी क्यू आर का मतलब ये हुआ कि ए के बराबर ए हो, ए के बराबर पी हो, बी के बराबर क्यू हो और सी के बराबर आर हो। जिस फॉर्म में लिखा रहेगा उसी फॉर्म में इधर भी लिखना होना चाहिए। क्या ए के बराबर पी है? क्या नहीं है? ए तो 73 है और पी कितना है, 72 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, गलत लिखा। तो इसे हम सही कैसे लिखेंगे? सही लिखने के लिए समझिएगा, बहुत जरूरी बात बोल रहा हूँ, और बच्चे यहीं पे गलत करते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन गलत कर देते हैं, बहुत आसान सा। अगर आप यहाँ से ए उठा रहे हो तो आप इस वाले त्रिभुज में भी देखो 73 कौन सा है, 73 एंगल आर है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आर लिखोगे। आप बी उठा रहे हो, यहाँ पे बी उठाओगे तो 72 कौन सा है, पी है, यहाँ पे पी उठाओगे। और अगर 35 उठा रहे हो, यहाँ पे सी लिख रहे हो, तो यहाँ पे 35 कौन सा है, क्यू है,
अब आपका ये सही हुआ कि जो त्रिभुज एबीसी है वो त्रिभुज आरपीक्यू के सिमिलर है, समरूप है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो जरूरी है, कॉन्ग्रुएंसी में ऑर्डर जरूरी नहीं था, ध्यान दीजिएगा, कॉन्ग्रुएंसी में ऑर्डर जरूरी नहीं था लेकिन सिमिलरिटी में ऑर्डर जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऑर्डर से क्यों गलत हो जाएगा ये भी मैं समझाऊंगा, जैसे जैसे हम प्रॉपर्टी सीखते जाएंगे इस बात को मैं रिपीट करूंगा और क्वेश्चन में भी आपको कराऊंगा। अभी आप बस ऐसे समझिए कि ऑर्डर जरूरी होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, SAS की प्रॉपर्टी है, मतलब यहाँ पे आपके पास दो साइड और एक एंगल, साइड एंगल और साइड आपका बराबर होना चाहिए या रेशियो बराबर होना चाहिए, यहाँ पे भी हमें समझना है। कॉन्ग्रुएंसी में बराबर होना चाहिए लेकिन अगर साइड की बात आती है तो सिमिलरिटी में कोई जरूरी नहीं है कि उसका मैग्नीट्यूड बराबर हो, उसका मेजरमेंट बराबर हो, उसका हम क्या देखते हैं, रेशियो देखते हैं। जैसे आप अच्छे समझिएगा, ये दो त्रिभुज आपको दिख रहा है, एक का नाम क्या है, यहाँ पे एक का नाम है ए बी और सी, यही है। दूसरे का नाम क्या है, वाई एक्स और जेड, ये है दो आपके पास त्रिभुज है। अब आप ए बी सी को देखो और यहां पे वाई जेड एक्स को देखो, इन दोनों त्रिभुज को देख पा रहे हो, क्या ये सिमिलर दिख रहे हैं, सिमिलर हैं, कैसे हैं, एक कोण के बराबर हो गया। अगर हमें दूसरा कोण पता होता तो हम बोल देते एंगल एंगल से क्या हो गया, सिमिलर हो गया, लेकिन एंगल एंगल से काम नहीं बन रहा है। तो फिर यहाँ पे हम भुजाओं को देखेंगे, उसने दो भुजा दे रखा है, एक जगह दे रखा है 15, यहाँ पे 15 दे रखा है और 21 दे रखा है, यहाँ पे 14 दे रखा है, यहाँ पे 10 दे रखा है। अभी आप देखो क्या भुजाएं बराबर है, क्या भुजाएं बराबर नहीं है, 15 इसमें कोई नहीं दिख रहा है, 21 इसमें कोई नहीं दिख रहा है, इसका मतलब भुजाएं बराबर नहीं। तो कॉन्ग्रुएंसी की बात नहीं कर रहे हम, सिमिलरिटी की बात करेंगे। तो सिमिलरिटी के लिए क्या जरूरी होता है, साइड का रेशियो जरूरी होता है, इस बात को आप समझिएगा, क्या जरूरी होता है, साइड का रेशियो जरूरी होता है। तो हम ये देखेंगे क्या जो इनका रेशियो है वो समान है क्या, कहने का मतलब दोनों तरीके से देख सकते हैं, 15 और अगर हम 10 को उठाएं और 21 और 14 को उठाएं तो 15 और 10 में क्या रेशियो है भाई, 15 और 10 में क्या रेशियो है, 15 10 में 5 नहीं आई, 15 5 दूनी 10, 3:2 का रेशियो है। इसको और इसको समझिएगा बात को, यहाँ पे 21 और 14 को उठाएं तो 21 और 14 में क्या रेशियो है, 7:21, 7:14। अभी आप देखो कि दोनों का रेशियो बराबर हो गया, तो अब हम क्या कहेंगे कि ये दोनों क्या हो गए, त्रिभुज समरूप हो गए, सिमिलर हो गए। तो ये जो साइड एंगल साइड है, कहने का मतलब इसके कोई एक साइड पहले का, मैं यहाँ पे और एलिबोरेट करता हूँ इस चीज़ को, इसका कोई एक साइड 1 दूसरे के साइड 2 के रेशियो बराबर होना चाहिए, इसका रेशियो और इसका, है ना, चलो ठीक है, इसका साइड ए और इसका एस बी लिख ले रहा हूँ, इसका रेशियो, दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जो आप अच्छे से देख पा रहे हो, और इनके बीच में एक एंगल का मान बराबर होना चाहिए, ये बात आप अच्छे से क्लियर कर लो यहाँ पे। तो अगर रेशियो बराबर हो जाता है तो हमारा त्रिभुज क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा, सिमिलर कहलाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, क्या मुझे अगर बोलना हो कि आप अब लिखो एबीसी सिमिलर टू, इस त्रिभुज को सिमिलर लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, आप फिर वहां पे तो दिमाग लगा लिए कि अच्छा जो एंगल ए है तो वहां पे मैं क्या लिखूंगा, एक्स लिखूंगा, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। लेकिन अब क्या उठाओगे, जब आपने वहां पे बी उठा लिया तो इसके सामने जेड रखो कि वाई रखो, ये दिक्कत आ गई आपके सामने। तो ऐसा करने के लिए आप समझना कि जो 15 यहाँ पे इसका रेशियो किसके रेशियो से कंपेयर किए थे, 10 से, तो 15 के सामने वाला कोण कौन सा है, सी है। तो यहाँ पे अगर आप सी लिख रहे हो, समझिएगा, यहाँ पे अगर आप सी लिख रहे हो या अगर आप बी लिख लिए तो बी के सामने वाली भुजा क्या है, 21, और बी के सामने भुजा 21 है तो इसका रेशियो आप किससे कंपेयर किए थे, 14, 14 के सामने वाला कोण कौन सा है, वाई, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वाई लिखना पड़ेगा, समझिएगा। और जब भी हमें सिमिलर ट्रेंगल का या कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल का जब नाम लिखना होता है तो हमें सबसे जो अच्छा विकल्प होता है देखने का वो क्या होता है, कोण होता है। हम भुजाओं से कभी तय नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा, हमें कोण से तय करना पड़ेगा। पहला कोण तो हमें पता
दिया था तो हमने ए और एक्स को साथ में लिख लिया, हमने बी को जैसे ही उठाया तो हमें यह समझना पड़ा कि बी के सामने वाली भुजा 21 और इसका जो रेशियो बराबर है वो 14 वाले के है, तो 14 के सामने जो कोण होगा उसी को हमें लिखना पड़ेगा, वो होगा जेड हो जाएगा। तो यहां पर अगर सी है तो यहां पर कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड ऐसे हो जाएगा। अब आप लिख पाओगे ए बी सी सिमिलर टू एक्स वाई जेड है, बात समझिएगा। दो सिंबल मैं बार बार यूज कर रहा हूं, एक तो ये हुआ है ना, सॉरी ये हुआ एक, और एक केवल ये हुआ। ये जो सिंबल होता है वो कॉन्ग्रेंसी का सिंबल होता है, ये जो होता है सिमिलरिटी का सिंबल होता है, समरूपता का सिंबल होता है, इस बात को आप समझिएगा। तीसरी प्रॉपर्टी भी चेक करते हैं जो ट्रिपल एस की प्रॉपर्टी है, ये क्या कहती है। ट्रिपल एस की प्रॉपर्टी में मतलब कि अगर आपका सपोज करो कि ये ट्रेंगल ए बी सी है और दूसरा ट्रेंगल क्या है एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पर अगर रेशियो ए एक्स का रेशियो बी वाई का रेशियो और सी जेड का रेशियो समान हो गया, मतलब तीनों रेशियो समान हो जाए तो भी हम त्रिभुज को क्या बोल देंगे समरूप बोल देंगे। जैसे अभी आप यहां पे नोट करो, अब ये उल्टा सीधा पता नहीं कैसे फिगर बना है, एक इधर को बनाए एक इधर को बनाए, लेकिन हमें जज करना पड़ेगा। कैसे जज करना पड़ेगा, हम यहां पर चार उठा रहे हैं, हम यहां पर चार उठा रहे हैं ठीक। ये इस वाले भुजा का ए बी का मान जो है, ए बी का जो मान है वो कितना है चार है। अब अगर हम इसे किसी से कंपेयर करें, सपोज करो हम यहाँ पे एक्स वाई से ले लें पाँच ले लें, तो इसके इसके बीच का रेशियो जो होना चाहिए वही किसी दूसरे भुजा के भी बीच का रेशियो होना चाहिए। जैसे हम आठ और दस ले लें, तो अगर मैं यहाँ पे चार उठाऊँ इसके सामने क्या ले लिया मैंने पाँच ले लिया, इसमें मैंने आठ लिया इसके सामने मैंने क्या ले लिया दस ले लिया, और ऐसे ही यहाँ पर मैंने छः ले लिया इसके सामने क्या ले लिया सात दशमलव पाँच ले लिया। देखो क्या ये सारे रेशियो बराबर है, क्या सारे रेशियो बराबर हैं, आप इस चीज़ को अच्छे से देखो। अगर 6 और 7 5 को करोगे तो ये 60 और 75 यानी कि 15 चौके 60 और 15 पच्चे 75 4 5 का, इसके अनुपात 4 5 का तो है ही है, और इसका भी अनुपात 4 और 5 का है, यानी तीनों का जो रेशियो होगा वो सिमिलर हो गया, तीनों का रेशियो बराबर हो गया। तो जब तीनों का रेशियो बराबर हो गया तो ये त्रिभुज आपस में फिर से क्या हो गए सिमिलर हो गए समरूप हो गए। सिमिलर हो गए तो फिर से अगर मुझे वही बात डिनोट करना पड़ा, अभी वहाँ पर तो मैंने क्या कर लिया था एंगल एक दिया हुआ था, यहाँ पे अगर नाम लिखना हुआ तब क्या दिक्कत आएगी, तो अब यहां पे नाम लिखना सीखिए। अगर मैं यहां पे ए उठा लिया तो आप समझना ए जब उठाए तो ए के सामने कौन सी भुजा थी 6 थी, आपने 6 को किससे कंपेयर किया था 7.5 से कंपेयर किया था, तो अगर ए के सामने वाली भुजा ये है तो ये किसके सामने की भुजा है एक्स के सामने की भुजा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। आपने यहां पे 4 ले लिया, 4 को किससे कंपेयर किए थे 5 से, 4 के सामने भुजा कौन सी है सी है, तो 5 के सामने की भुजा कौन सी है जेड है। आप और फिर समझिएगा, अब यहां पे अगर बी बचा है तो यहां पे वाई बचा है, यानी ये दो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। तो जो लिखने का ऑर्डर है वो भी आपको समझ में आना चाहिए, ये डायरेक्ट देता है क्यों ऐसा देता है, कई बार आप समझाते हैं ऐसा क्यों होता है, तीनों प्रॉपर्टी आपने सीख लिया तो मैं समझाता हूं ऐसा क्यों होता है। एग्जाम में सीधा आपके क्वेश्चन आ जाएगा, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि कोई दो त्रिभुज एबीसी एबीसी और क्यूपीआर आपस में क्या है सिमिलर है। क्या बोल दिया एबीसी और क्यूपीआर आपस में सिमिलर है, बोल देगा एबी बराबर 4 है, क्यूपी बराबर 6 है और बीसी बराबर 5 है, तो पूछ लेगा क्यू आर बराबर क्या है, ऐसे आपसे पूछ लेगा। अब आपके पास वो तो फिगर नहीं है, फिगर आपको बनाना पड़ेगा। आपको फिगर कैसे बनाना पड़ेगा, आपको ऐसे फिगर बनाना पड़ेगा कि मान लो त्रिभुज है ए बी सी, तो इसी के सिमिलर जैसा कुछ हल्का सा दूसरा त्रिभुज बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ए के सामने क्यू लिखा है, यहाँ पे पी करना पड़ेगा, यहाँ पे आर करना पड़ेगा। अब देखो ए बी की वैल्यू 4 दिया हुआ था, तो ए बी के सामने कह दिया हुआ है क्यू पी दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। ऐसे बी सी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो वहाँ पे अगर ये बी सी दिया है तो ये किसका होगा, ये पी आर के बराबर होगा, इस चीज़ के साथ ध्यान देना। तो बी सी बराबर अगर ये 5 है तो ये जो अगर आप ये एक्स लिखोगे तो ये एक्स किसकी वैल्यू होगी, ये इसकी वैल्यू होगी। अब इसका मतलब कि वो पूछ तो ये वाला रहा था, आप निकाल पाओगे क्या, नहीं निकाल पाओगे। और यहीं पे बच्चे क्या कर देते हैं, वो सीधा बोलते हैं 4/5 और सीधा इसका इसका रेशियो ले लेंगे या इसका इसका, सीधा मैं यही कर देता हूँ 4 और 6 का। वो क्या करेंगे गलती, वो सीधा बोलेंगे 4/6 बराबर लिख देंगे 5/x और x की वैल्यू लिख देंगे 5×6/4 यानी कि 30/4 यानी कि 15/2 यानी कि 7.5।
7.5 आपका विकल्प ए में ही दिया होगा और आप करके आ जाओगे और वो गलत हो जाएगा। 7.5 इसकी वैल्यू आई है, लेकिन उसने क्या पूछा, क्यू आर की वैल्यू पूछा है जो आप नहीं निकाल पाओगे और यहीं पे गलती हो जाएगी। तो ऑर्डर समझना हमें जरूरी है, वरना एग्जाम में हमसे गलतियां होती हैं। इस बात का खासा ध्यान रखिएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को समझेंगे। तो बेसिकली आपका सिमिलरिटी यही है। अब ऐसा समझिए, अगर आप दो त्रिभुज को सिमिलर प्रूफ कर लियो, मतलब अगर कोई भी त्रिभुज ए बी सी है, मैं ए बी सी यहाँ पर बना ले रहा हूँ और दूसरा त्रिभुज मैं पी क्यू आर ले रहा हूँ, पी क्यू आर को मैं यहाँ पर बना ले रहा हूँ, ये ठीक, ये P है, ये Q है, ये R है, यहाँ पे ये A है, ये B है, ये C है, ऐसे आप समझिएगा। अगर ये दो त्रिभुज आपस में सिमिलर हैं तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या क्या है, दो त्रिभुज आपस में सिमिलर हो गए तो जो इसका भुजा होगा वो भुजा का अनुपात बराबर होगा। कहने का मतलब ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होना चाहिए ए सी अपॉन पी आर के, बराबर होना चाहिए बी सी क्यू आर। ये हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, अगर दो त्रिभुज आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं, समरूप हैं। ये किसके बराबर और होंगे, अगर इसका पेरीमीटर P1 है और दूसरे का पेरीमीटर P2 है तो P1 और P2 की इनका भी रेशियो बराबर ही होगा। और क्या होंगे, अगर आप इन दोनों का कोई मीडियन पता है, माध्यिका पता है, जो आके कार्टे भी बताएंगे मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, मीडियन होता है सामने वाले कोण से उसके अपोजिट किसी उस पर भुजा पे खींचा गया जो उसे बराबर 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 डिवाइड करे, उसे क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। तो ये माध्यिका हो जाएगा, मतलब मीडियन वन और मीडियन टू का भी रेशियो बराबर होगा। एल्टीट्यूड अगर हो, सपोज करो ये एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है, सामने वाली कोण से उसके विपरीत भुजा पे खींचा गया एक परपेंडिकुलर, वो क्या कहलाता है, वो हमारा एल्टीट्यूड कहलाता है, उसकी हाइट कहलाता है। तो ये एच वन बराबर क्या हो जाएगा, एच टू हो जाएगा, या ए वन अपन ए टू भी कर सकते हो अगर एल्टीट्यूड से डिनोट करते हो। और भी जितने भी हमारे लाइन खींच सकते हैं उन सबके क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि अगर दो ट्रेंगल सिमिलर है तो इतनी चीज़ें आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। दूसरी बात और क्या ध्यान रखना है, अगर दो त्रिभुज आपस में बराबर हैं तो एरिया ऑफ ए बी सी किसके और बराबर एरिया ऑफ पी क्यू आर हो जाएगा, क्या ऐसा हो जाएगा क्या, नहीं, बराबर होना कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई जो नहीं कि बराबर है। अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तब तो बराबर है, सिमिलर में ये बराबर नहीं है। लेकिन अगर आपको ए बी अपॉन बी सी का रेशियो पता है तो एरिया ऑफ जो ए बी सी होगा और एरिया ऑफ जो पी क्यू आर होगा, इसका एरिया इनके स्क्वायर के, इनके रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, और यही आपका क्या होगा, पी क्यू है ना। आप देखते चलो, अगर यहाँ पे ए बी ले लो, ए सी ले लो, यहाँ पे ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, पी आर के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और यही बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और यही नहीं, ये अभी भी इन दोनों के, अगर उसका कोई एक मीडियन ले रहे हो तो मीडियन और मीडियन टू के भी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और उनके पेरीमीटर के भी रेशियो के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, उनके एल्टीट्यूड यानी एच वन अपॉन एच टू के भी स्क्वायर के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो ऐसा भी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। कैसे क्वेश्चन पूछता है, वहाँ पर क्वेश्चन दिया रहेगा कि आपके पास दो त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर, ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, बोलेगा कि इसकी एक भुजा चार है, इसकी भुजा पाँच है, और बोलेगा अगर इसकी भुजा, इसका क्षेत्रफल नौ है तो इसका क्षेत्रफल पता करो। तब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओगे, चार बटे पाँच के स्क्वायर बराबर नौ बटे एक्स, ये करोगे आप, फिर आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कब कर पाओगे, जब आपको पता होगा कि सिमिलरिटी का ये प्रॉपर्टी होता है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत कम टाइम में मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। कॉन्ग्रुएंसी में शेप और साइज, शेप एंड साइज दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और ऐसे केस में पेरीमीटर वन बराबर पेरीमीटर टू होता है, एरिया वन बराबर एरिया टू होता है, साइड वन बराबर साइड टू, साइड सब सब कुछ बराबर हो जाता है ना। अगर ये वन टू थ्री ले लो तो ये ए बी सी ले लो, साइड बी और साइड सी, ये सब आपस में बराबर हो जाते हैं। किस में, कॉन्ग्रुएंसी में। जबकि जब आप सिमिलरिटी की बात कर रहे होते हो, जब आप समरूपता की बात कर रहे होते हो, तो वहाँ पे मेजर जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, रेशियो होता है।
वो रेशियो होता है, वहां पे सेप तो इक्वल होगा, सेप तो इक्वल होगा, लेकिन साइज नेसेसरी नहीं है कि इक्वल हो, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर दो त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो पक्का पक्का क्या होंगे, सिमिलर होंगे। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि दो त्रिभुज अगर आपस में सिमिलर हैं तो वो क्या हो, वो कॉन्ग्रुएंट भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस बात को भी हमें समझते हुए चलना है। तो बेसिक सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। वहां पे आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपको पहचानो कैसे, क्योंकि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, तो ये आपसे ये नहीं पूछने जा रहा है कि आप पहचानोगे कैसे। वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमें बस रूल पता हो कि अच्छा सिमिलरिटी में केवल तीन होता है और मेनली एंगल होता है, ए ए पता हो, एस 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 पता हो, या ए ए एस पता हो तो हम आराम से कर लेंगे, या ए से पता हो तो हम आराम से कर लेंगे। और हमारा अगर कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है तो उसके लिए पांच प्रॉपर्टी है, वो आप यहां पे अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी था, इसका क्वेश्चन क्वेश्चन वाले सेशन में करेंगे। अभी कॉन्सेप्ट ही अच्छे से देखते हैं। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का कुछ थ्योरम होते हैं जो देख लेते हैं। जैसे ये थ्योरम है और इसी पे आपका एग्जाम में बहुत बार पूछता है। ये फिगर एग्जैक्टली ये वाला है कि आपका एक त्रिभुज दे देता है और एक लाइन यहाँ पे खींच देगा इसके पैरेलल, ये ए बी सी है, और बोल देगा ये क्या है, ये पी है, ये क्यू है। इसका वैल्यू दिया रहेगा एक्स, इसका वैल्यू दिया रहेगा वाई, इसका वैल्यू दिया रहेगा जेड, इसकी वैल्यू पूछ लेगा, है ना। तो ये आप कैसे कर पाओगे, ये आप जान पाओगे कि जब ये त्रिभुज पूरे त्रिभुज का सिमिलर है तब आप कर पाओगे। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, हालांकि अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो सिमिलर प्रूफ करने की जरूरत नहीं, हमेशा सिमिलर ही होता है। लेकिन अगर आप देखो ये दो त्रिभुज देखो, तो इस वाले त्रिभुज को, छोटे वाले त्रिभुज को अगर मैं बाहर निकाल लूं, ये ए पी क्यू है, ये ए पी क्यू है, और बड़ा वाला त्रिभुज को मैं बड़ा ही ऐसे लिखा रह लूं, ये ए बी सी है। अभी आप देखो कि ये एंगल दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए, दोनों एंगल बराबर हो गए। और अगर ये इसके पैरेलल हो गया तो ये पी किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा, क्यू किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। तो ये एंगल एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। और अगर सिमिलर हो गया तो इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर होगा। यानी पी, ये आर मान लो है ना, तो ये पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर अपॉन ए बी बराबर हो जाएगा, हाँ पी आर अपॉन ए बी बराबर हो जाएगा पी क्यू अपॉन ए सी। ये आप आराम से कर सकते हो। तो जब आप प्रॉपर्टी पता रहेगी तो एग्जाम में ये चीजें आपकी आसानी से होगी। ये बेसिकली वही बता रहा है, इसका एक जो मेजर है वो थेल्स थ्योरम में पहले भी बताया था, थेल्स थ्योरम इसका जो एक्सटेंडेड है जहाँ पे ये पैरेलल ही रहता है। कई बार क्या होता है कि ये पैरेलल नहीं रहता, किस कोई और तिरछा दे देता है, तो वहाँ पे क्या देता है, एंगल बराबर दे देगा या बता देगा कि ये सिमिलर है, वहाँ पे आपको हिंट दे देगा। तो ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, और अगर आपके एग्जाम में आता है तो बेसिक समझिएगा, इसी वाले प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन आता है। तो आपको लगाना क्या है, आपको लगाना है एक्स अपॉन वाई बराबर भाई एम अपॉन एन, ये वाली प्रॉपर्टी लगाना है, या एक्स अपॉन वाई बराबर एरिया ऑफ, और एरिया ऑफ ए और बी मान लो तो स्क्वायर कर लो, है ना, दो त्रिभुज ए बी अलग अलग मैं डिनोट कर दिया हूँ। यही दोनों प्रॉपर्टी लगती है, इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी लगेगा ही नहीं लगेगा। ये बेसिकली आपका साइड स्प्लिटर थ्योरम कहलाता है। दूसरा क्या है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मैं आपको पहले वाली भी क्लास में बताया था, यहाँ पे भी देख लीजिए। अभी एंगल बाइसेक्टर मतलब कि इस वाले एंगल क्या है, ये दोनों बराबर है आपस में, ये दोनों एंगल बराबर हो गए और ये साइड कॉमन हो गई, साइड भी कॉमन हो गई, तो साइड साइड बराबर हो गई, एंगल एंगल बराबर हो गया, ये साइड बराबर हो गया तो सामने वाली भुजा भी बराबर हो जाएगी। मतलब दो एंगल एक साइड बराबर हो गए, और दो एंगल एक साइड अगर बराबर हो गए तो ये फिर से दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ये वाली भुजा का रेशियो और इस वाले ट्रेंगल में इस वाले का रेशियो, इसमें इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे आप क्या लिखोगे, आप इसमें लिख सकते हो कि ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी, ये आप लिख सकते हो बहुत आराम से। या आप ए बी अपॉन बी डी भी लिख सकते हो और ए सी अपॉन डी सी भी लिख सकते हो। तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी कहलाता है। दोनों सिमिलरिटी के जो हमारे मेन थ्योरी है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो है, इस चीज़ को आप अच्छे समझते हैं। एरिया मैंने बता ही दिया कि अगर ये दोनों हैं तो यहाँ पर ये ऐसा दिखा रहा है कि ये दोनों त्रिभुज हमारे सिमिलर हैं, और इसका जो एरिया होगा ये कुछ ऐसा है कि हम अगर यहाँ पे पैरेलल खींच दें और यहाँ पे अगर साइड मिला दें तो ये आकृति सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो आप समझिएगा ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये चारों एरिया क्या हो गए, बराबर हो गए। तो जो ये एरिया होगा ये पूरे बड़े वाले का क्या होगा, स्मॉल वाले का जो एरिया होगा वो बड़े वाले के
एरिया का क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। बस इतनी सी प्रॉपर्टी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी हम मेजर पे आते हैं, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी बनते हैं, जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी ज़्यादा याद रखनी पड़ती है, समझने पड़ती है, इस चीज़ को हम यहाँ पे समझते हैं। तो अब यहाँ पे हम थोड़ी सी स्पीड को और स्लो करेंगे। जल्दी जल्दी में मैंने आपको सिमिलेटर कॉन्ग्रुएंसी बता दिया है, ताकि कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम कर पाओ, ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में बैठ पाएँ। मेन है सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल क्या है, इस बात को समझते हैं। त्रिभुज के केंद्र क्या होते हैं, देखा जाए तो अगर सही मायने में एक त्रिभुज, इसे हटाते हैं, एक त्रिभुज है, त्रिभुज के असंख्य केंद्र होते हैं, असंख्य केंद्र होते हैं। केंद्र कैसे बनते हैं, इस बात को समझिएगा। केंद्र सेंटर जो है वो ओरिजिनली जो है वो साइड पे डिपेंडेंट है, साइड पे डिपेंडेंट है। साइड क्या, एक तो आपके त्रिभुज की साइड ये हो गई है ना, इसी में और भी बहुत सारे साइड्स होते हैं, जिन्हें आप कभी माध्यिका बोलते हो, मीडियन बोलते हो, कभी आप उन्हें एल्टीट्यूड बोलते हो, कभी आप उन्हें हाइट बोलते हो, कभी आप उन्हें बेस बोलते हो, बहुत सारे नाम से उन्हें जानते हो। तो जो सेंटर है ये साइड पे डिपेंडेंट होता है। जैसे अगर मैं, मेरे पास जितने भी तरीके से हो सकता है मैं उतने तरीके से कोई साइड मैं यहाँ से ले लूँ, एक साइड मैं यहाँ से ले लूँ, एक साइड मैं यहाँ से ले लूँ, मुझे नहीं पता ये साइड क्या है, लेकिन अगर ये तीनों साइड आपस में कहीं टकरा गए तो ये एक ट्रायंगल का क्या दे देगा, त्रिभुज का एक सेंटर दे देगा, केंद्र दे देगा। ऐसे ही कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, एक चला गया, यहाँ पे इंटरसेप्ट कर गया, वो भी आपका क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। तो ऐसे तो आप असंख्य लाइनें ले सकते हो ना, वो जो आपका सेंटर है वो लाइन डिपेंडेंट है। आप इस त्रिभुज की किसी भी भुजा पे कोई भी लाइन ले लो और सब पे लाइन जहाँ पे भी इंटरसेप्ट कर जाएगा वो त्रिभुज का क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। लेकिन हमें असंख्य केंद्र तो याद नहीं रखना है, हमारे पास जो चार मेन केंद्र हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो जो चार मेन केंद्र होते हैं वो क्या होते हैं, एक होता है आपका सेंट्रॉयड, जिसे बोलते हैं केंद्रक। अभी समझेंगे एग्जैक्टली क्या क्या है, अभी पहले समझ लेते हैं चार केंद्र कौन कौन से हैं। दूसरा हमारा क्या है, सर्कम सेंटर है, यानी जिसे क्या बोलते हैं, परिकेंद्र बोलते हैं। तीसरा हमारा क्या है, ऑर्थो सेंटर है, जिसे हम लंब केंद्र बोलते हैं। और चौथा हमारा इन सेंटर है, जिसे अंतः केंद्र बोलते हैं। अब इनके बारे में हम थोड़ा ज़्यादा अच्छे से इसके माध्यम से पढ़ेंगे। ये है हमारा, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आज हम लोग इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये एग्जैक्टली वही फिगर है मैं जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, चलो, ये आपको दिख रहा है सेंट्रॉइड क्या होता है। एग्जैक्टली जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड जो होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ होता क्या है। अगर कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के अपोजिट वर्टिक्स से, अपोजिट कोण से उसके विपरीत वाली भुजा पे एक लाइन खींची जाए, और वो जो लाइन खींची जाए विपरीत वाली भुजा को दो बराबर बराबर भागों में बांटे, तो उसे क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे, यानी कि माध्यिका कहेंगे। मीडियन वो लाइन होती है जो किसी कोण से, किसी वर्टिसेस से है ना खींची जाती है विपरीत भुजा पे, और उस भुजा को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है, उसे क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। ऐसे अगर ये आप ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, ए से खींची हुई माध्यिका, बी से खींची हुई माध्यिका, सी से खींची हुई माध्यिका जहाँ पे आके टकराती है, जहाँ पे आके टकराती है उसे क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं या केंद्रक कहते हैं। कायदे से केंद्रक हमारी वो बिंदु है जहाँ पे पूरा जो फिगर है वो आपको बैलेंस हो जाए। आप देखोगे जो बच्चे होते हैं आपके स्कूल टाइम में, आपके कोचिंग टाइम में, बहुत सारे बच्चे हाथ में किताब रख के नचाते रहते हैं, ऐसे ऐसे नचाते रहते हैं, या आप स्कूल में देखोगे तो जो वॉलीबॉल होता है, फुटबॉल होता है, वो नचाते रहते हैं। वो क्यों नचा पाते, क्योंकि उनको आइडिया हो जाता है, उनका अभ्यास हो जाता है कि जो पर्टिकुलर फिगर है, जो किताब है, जो कॉपी है, इसका केंद्र क्या था। आप वहाँ पर ट्राई करते हो, एक बार घुमाते हो, दो राउंड घुमा, खट से गिर गया, उंगली टेढ़ी हो जाती है, बार बार परेशान रहते हो, लेकिन आप नचा नहीं पाते हो। क्यों नहीं नचा पाते हो, क्योंकि आप दिमाग नहीं लगाते हो। आप सबसे पहले नचाने के लिए उसे बैलेंस करो। अगर वो बिंदु आप उसे टच करो जहां पे आपको एक उंगली पे रोकने पे आपकी कॉपी बैलेंस हो जाए, या आपकी जो बॉल है वो बैलेंस हो जाए, वो बैलेंस हो गया, इसका मतलब आपको क्या पता चल गया, उसका केंद्रक पता चल गया। अब जब वो बॉडी सिमेट्रिक हो गई, वो हर तरफ से जब बैलेंस हो गई, तो आप उसे घुमाओगे और बार बार उसे फोर्स दोगे, तो जाहिर सी बात है वो घूमता रहेगा। तो वो ज़्यादा टैलेंट थे, उन्हें ज्योमेट्री का ज्ञान ज़्यादा था आपकी अपेक्षा, जो आप नहीं नचा पा रहे थे। आप में से बहुत लोग नचा भी लेते होगे, मुझे मालूम है। तो यहाँ पे वो वही डिनोट कर रहा है कि ये जो आपका है केंद्रक जो होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आप सुने हो फिजिक्स वगैरह पढ़े होगे, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़े होगे,
सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है कि मान के चलो एक दीवाल है, दीवाल की अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता चल गई, मतलब उस पूरे दीवाल का जो मास है, सेंटर ऑफ मास है, वो वहीं पे स्टोर है ना, वहीं से पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। IMR² निकालते होंगे ना, MR² जो आप निकालते होंगे सेंटर ऑफ मास में, अगर वहाँ पे कोई जोर से प्रहार कर दे तो पूरी की पूरी दीवार आपकी क्या हो जाएगी, वहाँ पे ध्वस्त हो जाएगी। तो एग्जैक्टली आपकी सेंटर ऑफ जो मास है वही क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड कहलाता है। तो सेंट्रॉइड मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। दूसरी परिभाषा में आपको समझाता हूँ सेंटर क्या होता है, जो आपका परिकेंद्र क्या होता है। परिकेंद्र जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। भुजा का बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, लंब द्विभाजक क्या होता है। अगर कोई एक लाइन, ऐसे समझिए एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज की मैंने कोई एक भुजा चूज की और उसका मैंने सेंटर चूज किया और उस सेंटर पे मैंने कोई एक ऐसी लाइन खींच दी जो 90 डिग्री का कोण किससे बना रही है, उस भुजा से बना रही है। ऐसे मैंने इसका कोई एक पॉइंट लिया और वहाँ पे 90 डिग्री से एक लाइन खींच दिया। ऐसे यहाँ पे मैं एकदम मिड पॉइंट लिया और मिड पॉइंट पे एक लाइन खींचा जो भुजा से 90 डिग्री बना रही है। अभी मैं इस सारे लाइनों को बढ़ाऊँ, इन सारे लाइनों को बढ़ाऊँ तो ये जहाँ पे आके कट करेंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके सरकम सेंटर कहलाएंगे, यानी आपके क्या कहलाएंगे, परिकेंद्र कहलाएंगे। परिकेंद्र किससे बनता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका होता है, भुजाओं का होता है ना। भुजाओं का जो आपका बाइसेक्टर है, लंब द्विभाजक जो है, वो जहाँ पे आपके मिलते हैं उन्हें क्या कहलाया जाता है, सरकम सेंटर कहलाया जाता है, या उसे क्या बोलते हैं, परिकेंद्र बोलते हैं। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियन का इंटरसेक्शन होता है। अगर आपके माध्यिका का इंटरसेक्शन बोलोगे तो वो केंद्रक कहलाएगा, अगर आपके लंब द्विभाजक का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर कहलाएगा या परिकेंद्र कहलाएगा, इस बात को समझते हैं। तीसरा क्या होता है, ऑर्थो सेंटर, ये भी जरूरी है, हालांकि ये तीन ज़्यादा जरूरी हैं, फिर ऑर्थो सेंटर का नंबर आता है, लेकिन मैं इसे समझाता हूँ, पहले ऑर्थो सेंटर समझा देता हूँ, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अच्छे से समझ लिया है। एक तो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, परपेंडिकुलर क्या लिया, बाइसेक्टर लिया, वहाँ पे बाइसेक्टर मतलब इस वाली भुजा को बराबर बराबर कट कर रहा था। अभी मैं एक त्रिभुज लूँ और त्रिभुज में मैं केवल परपेंडिकुलर ले लूँ, कहीं से भी परपेंडिकुलर ले लूँ, एक दूसरा कहीं से परपेंडिकुलर ले लूँ, एक तीसरा से परपेंडिकुलर ले लूँ, कहने का मतलब कि मैं क्या ले रहा हूँ, परपेंडिकुलर ले रहा हूँ, और चीज़ें मुझे मतलब नहीं है, मुझे परपेंडिकुलर से मतलब है, वो परपेंडिकुलर एग्जैक्टली वर्टिसेस से जाना चाहिए, और वर्टिसेस से अगर परपेंडिकुलर चला गया तो वो क्या कहलाएगा, उसका हाइट कहलाएगा, उसका एल्टीट्यूड कहलाएगा। तो अगर एल्टीट्यूड, उन तीनों एल्टीट्यूड को मिला दिया जाए, उन तीनों एल्टीट्यूड को मिला दिया जाए तो तीनों जहाँ पर इंटरसेप्ट करेंगे वो त्रिभुज का क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर कहलाएगा, या क्या कहलाएगा, लंब केंद्र कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर कहलाएगा, या उसका लंब केंद्र कहलाएगा, इस बात को आप समझिएगा, ठीक है बात, लंब केंद्र कहलाता है। चौथा है हमारे पास इन सेंटर, अंता केंद्र क्या बोलते हैं। अगर आप कोई त्रिभुज लिए हो, कोई त्रिभुज लिए हो और उसका एंगल बाइसेक्टर, अभी क्या यहाँ पे क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, यहाँ पे क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, मतलब एक ऐसी लाइन जो उस कोण को बराबर बराबर कट करे, एक ऐसी लाइन जो इस कोण को बराबर बराबर कट करे, एक ऐसी लाइन जो इसको बराबर बराबर कट करे, तो उसे क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। एंगल बाइसेक्टर को बढ़ा दिया जाए और वो जहाँ पे आके कट कर दें, ये मेरा फिगर ऐसा है कि कट ही नहीं कर रहा है तो बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप इस फिगर में देखो, है ना। तो या ऐसा एक एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे जाके कट कर दे तो उसे क्या बोलते हैं, अंतःकेंद्र बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे इन दो त्रिभुज में मैंने कोई सर्कल नहीं बनाया है, लेकिन इन दोनों में मैंने सर्कल बना दिया है। क्यों सर्कल बना दिया है, ऐसा त्रिभुज, ऐसा सर्कल जो किसी त्रिभुज के एकदम सारे वर्टिसेस को छूते हुए बाहर रहे तो उसे क्या बोलते हैं, सरकम सर्कल बोलते हैं। अब वो केंद्र से जरूरी नहीं है, केंद्र से अभी बताते हैं, पहली रिलेशन नहीं है, पहला रिलेशन उससे किससे है कि वो तीनों वर्टिसेस से छूता हुआ बाहर बाहर कोई अगर वृत्त है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे सरकम सर्कल बोलेंगे। और अगर कोई ऐसा सर्कल, ऐसा वृत्त जो तीनों भुजाओं को छू रहा हो और अंदर हो त्रिभुज के, तो उसे क्या बोलेंगे, इन सर्कल बोलेंगे, अंतःवृत्त बोलेंगे। बात समझ में आ गई। अब अगर यहाँ पे सरकम सेंटर आता है, यहाँ पे इन सेंटर आता है, तो इस अगर सेंटर से मैं यहाँ पे डिस्टेंस खींचूँ, इस सेंटर से ये डिस्टेंस खींचूँ, इस सेंटर से ये डिस्टेंस खींचूँ, तो ये क्या कहलाता है, ये आर कहलाता है, सरकम रेडियस कहलाता है, या परित्रिज्या कहलाती है, ठीक है। ऐसे अगर इस
यहां से भुजा की डिस्टेंस लूं, यहां से भुजा की डिस्टेंस लूं, यहां से भुजा की डिस्टेंस लूं, तो ये दूरी बराबर होगी हर जगह, तो ये जो आर कहलाएगा ये इन रेडियस कहलाएगा या अंतः त्रिज्या कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, सर्कम सेंटर जो होता है वो तीनों क्या कोण से उसकी जो दूरी होती है वो बराबर होती है, जबकि इन सेंटर जो होता है वो तीनों भुजाओं से उसकी दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो मेरे ख्याल से ये चार चीज़ें आप समझ में आ गया होगा। चार चीज़ें क्या क्या आपको समझ में आ गई हैं? चार चीज़ें समझ में आ गई हैं कि सेंट्रॉइड क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, हमारा परिकेंद्र क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, लंब केंद्र यानी कि, और इन सेंटर क्या होता है, अंतः केंद्र। फिर से ध्यान दीजिएगा, जो सेंट्रॉइड होता है वो किसका, जो सेंट्रॉइड होता है चलो मिटाना ही पड़ेगा छोटा छोटा ही करके, सेंट्रॉइड जो होता है वो किसका होता है, मीडियन का, मीडियन का इंटरसेक्शन होता है ना, जो हमारा ये है मीडियन का इंटरसेक्शन है वो है सेंट्रॉइड, माध्यिका का जो इंटरसेक्शन है। सर्कम सर्कल किसका है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का है। इन सेंटर इन सर्कल किसका है, इन सेंटर जो हमारा है एंगल बाइसेक्टर का, और हमारा ऑर्थो सेंटर किसका है, एल्टीट्यूड का है। तो ये चारों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। कुछ बहुत ही यहाँ पे आपके लिए इंटरेस्टिंग लेके आए हैं। अब एक एक चीज़ को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, सेंट्रॉइड के बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। सेंट्रॉइड बेसिकली मैंने जैसे बताया कि सेंट्रॉइड क्या है, ये तो वहीं पर आ जा रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। सेंट्रॉइड क्या है इस चीज़ को समझते हैं। सेंट्रॉइड यानी कि हमारे जो माध्यिका है उसका इंटरसेक्शन है, मीडियन का इंटरसेक्शन है। अब हम प्रॉपर्टी को समझते हैं कि ये हमारा एक त्रिभुज है, इसे बहुत अच्छे समझिएगा। अगर ये मेरा आप देख पा रहे हो, शायद ये देख पा रहे हो, मैं ट्रायंगल को घुमा सकता हूँ बहुत आराम से, इसलिए मैं आपको थोड़ा एनिमेशन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा एक त्रिभुज है, त्रिभुज में ये वाली जो बिंदु है आपकी, इस पर पेन नहीं चलेगा क्योंकि अभी मैं पेन कर दूंगा तो पूरा आ जा रहा है, इस कारण से थोड़ा मिटाने में समझ आएगा। मैं ऐसे ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा जहाँ पे पेन मैं रख रहा हूँ। ये जो पॉइंट है आपका क्या है, वो सेंट्रॉइड है। इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, ये अभी ट्रेवल करेगा। अगर मैं इस त्रिभुज को क्या बना दूं, इस त्रिभुज को राइट एंगल बना दूं, राइट एंगल बनाने के लिए मेरे पास ऐसा कुछ होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब मैं इस त्रिभुज को राइट एंगल बना दिया तो मेरा केंद्रक आप देख रहे हो कहां पे है, मेरा केंद्रक यहां पे है। ध्यान दीजिएगा, केंद्रक यहां पे है। यानी कि अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल में पूछूं कि आपका सेंट्रॉइड कहाँ लाई करेगा, तो वो त्रिभुज के कहाँ पे है, अंदर है। अगर यही त्रिभुज मेरा क्या होता, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता मतलब कि दो भुजाएं बराबर होती, तो आप देख रहे हो एकदम सिमेट्रिक फिगर बन रहा है, एकदम सिमेट्रिक फिगर बन रहा है। अभी भी हमारा क्या है, सेंट्रॉइड यहाँ पे है ना। इसे समझिएगा आइसोसेलेस, मैं और अच्छे समझा दूँ, पता लगे आपको ये क्या लग रहा होगा, आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल लग रहा होगा। अब तो नहीं लग रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब नहीं लगेगा, ठीक है। या चलो और ऊपर कर दूं तो अब एकदम नहीं लगेगा, ये लो अभी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, अभी भी आपका जो सेंट्रॉइड है वो कहाँ लाई कर रहा है, अंदर लाई कर रहा है, और तीनों जो आपके यहाँ पे देखो, ये मीडियन है, ये माध्यिका है, ये वाली भुजा बराबर है, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा बराबर है, ये वाली भुजा बराबर है। मैंने राइट एंगल ट्रायंगल देखा, मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल देखा, और ये ट्रायंगल क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि सारे कोण आपको 90 से कम दिख रहे हैं। कहीं ये अगर ट्रायंगल ऐसा ले लूँ कि ये 90 से ऑब्टीस एंगल ट्रायंगल हो जाए, तो भी आपका सेंट्रल ट्रायंगल के अंदर ही है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं कहीं भी घुमाऊँ, ये कहीं भी घुमाऊँ, आप केंद्रक पे नज़र रखना, आप सेंट्रॉइड पे नज़र रखना, मैं त्रिभुज पे नज़र मत रखना, त्रिभुज को मैं घुमा रहा हूँ अच्छे से, यानी कि मैं किसी भी टाइप का अगर त्रिभुज बना लूँ तो ये केंद्रक जो है हमेशा वो त्रिभुज के अंदर रह जा रहा है। तो त्रिभुज कैसा भी हो, चाहे एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, हमेशा जो केंद्रक होगा वो त्रिभुज के क्या रहेगा, अंदर रहेगा। आप दूसरी चीज़ समझिएगा, दूसरी चीज़ समझिएगा, अभी सर्कम सेंटर में वही चीज़ देखें। सर्कम सेंटर क्या होता है, दोबारा ध्यान दीजिएगा कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसका इंटरसेक्शन होता है। अगर मैं इस चीज़ को राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं कुछ, तो आप देख रहे हो जो ये है आपका, ये आपका क्या है, केंद्र है। कौन सा केंद्र है, सर्कम सेंटर है।
परिकेंद्र है ये आपका। अब भी ये राइट एंगल ट्रेंगल जब मैंने बनाया, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, तो आपका सर्कम सेंटर, सॉरी जो सर्कम सेंटर है वो कहाँ पे आके लाई कर रहा है, वो हाइपोटेनस पे लाई कर रहा है। और ये जो दूरी होगी ए से यहाँ की दूरी, और यहाँ से मैं अगर डी मान लूँ तो ए से डी की दूरी और डी से सी की दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो अगर आप राइट एंगल ट्रेंगल में कोई अगर आपको सर्कम सेंटर निकालना है तो वो कहाँ मिलेगा, वो हाइपोटेनस के बीचों बीच में मिलेगा। आप वैसे भी देखो कि ये जो आपकी वृत्त है, ये वृत्त जो है वो तीनों भुजाओं को खींचते हुए, आप जब भी एग्जाम में आए तो रफ बना लिया करो, तुरंत खींचा करो, आइडिया लग जाएगा कहाँ पे जाएगा वो, बहुत रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट से समझोगे बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। और वैसे भी आप ये समझो यार कि जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसका मध्य लोगे परपेंडिकुलर खींचोगे तो आके हाइपोटेनस पे तो कहीं कट करेगा, और इसका भी मध्य लोगे परपेंडिकुलर खींचोगे तो हाइपोटेनस पे तो जाके कट करेगा। तो ये जब दोनों आके हाइपोटेनस पे ही कट कर रहे हैं तो वो भी तो इसका मध्य बिंदु ही होगा, यानी कि हाइपोटेनस का वो मध्य बिंदु होगा। किस केस में? राइट एंगल ट्रेंगल में, सही कोण त्रिभुज में। बात समझ में आ गई? या समकोण त्रिभुज में। अभी मैं इसी को आइसोसेलेस बना दूं, इसी को आइसोसेलेस बना दूं, ध्यान दीजिएगा, आइसोसेलेस बना दिया हूं। अभी यहां पे जो आपका सर्कम सेंटर है वो त्रिभुज के बाहर आ गया, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप ये वाला फिगर देख रहे थे, जब आप सेंट्रॉइड की बात कर रहे थे, तो आप कुछ भी बना लो, कोई भी कोण ऑब्ट्यूस हो, कोई भी कोण एक्यूट हो, अभी सब एक्यूट है, मैं 90 से ज़्यादा कर दिया, मैं ये देखो ये 90 हुआ, ये 90 से मैंने ज़्यादा कर दिया, 90 से ज़्यादा कर दिया, तब भी हमारा क्या है, हमारा वो कोण त्रिभुज के अंदर ही है। जबकि अगर मैं सर्कम सेंटर की बात करता हूँ, जब हमारा ये 90 डिग्री था, जब हमारा 90 डिग्री था तब तो ये कहाँ था, एकदम हाइपोटेनस पे था। लेकिन अगर मैं 90 से इसको थोड़ा सा भी ज़्यादा बढ़ाऊँ, 90 से कम बढ़ाऊँ, उतना ही कोण अंदर को भग रहा है। 90 से अगर मैं बी वाले को ध्यान दीजिएगा, 90 का मैं कोण बढ़ा रहा हूँ, तो जैसे ही कोण बढ़ाऊँगा ये हमारा केंद्र क्या होगा, ऊपर की तरफ भागेगा। तो इस बात को आप समझिएगा कि जैसे ही अगर आप सर्कम सेंटर की बात करोगे तो सर्कम सेंटर एक्यूट एंगल ट्रेंगल में अंदर रहेगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल में बाहर रहेगा, और राइट एंगल ट्रेंगल में एग्जैक्टली हाइपोटेनस पे रहेगा। तो ये बात आपको समझना है। जबकि सेंट्रॉइड जो है आपका केंद्रक है वो तीनों केस में अंदर ही रहेगा। बहुत ही मैं आपको एनिमेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। इन सेंटर यानी कि एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का जो आपका डिवाइड कर रहा है उस चीज को समझते हैं। अभी मैं इसे फिर से 90 बना दें, अभी तो ये एक्यूट एंगल है तो आप देख रहे होगा अंदर ही है, मैं इसे 90 बनाने की कोशिश कर रहा हूं। लो मैंने 90 बना दिया, ये मैंने 90 बनाया, ठीक। अभी 90 बना दिया तो भी मेरा क्या है, यहां पे इन सेंटर जो है अंदर ही दिख रहा है। अभी मैं इसे ऑब्ट्यूज बना दूं, 90 से ज्यादा हो गया, अभी भी अंदर है, मैं कहीं भी बनाऊंगा ये अंदर ही रहेगा। ये देखो आप, अंदर ही रह रहा है, कोई भी कर दूंगा, कभी भी बाहर नहीं आएगा। तो यानी कि इन सेंटर भी आपका, चाहे एक्यूट एंगल ट्रेंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रेंगल हो, हमेशा कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा। ध्यान दीजिएगा, सेंट्रॉइड को जी से डिनोट करते हैं, इन सेंटर को आई से डिनोट करते हैं, है ना, तो जी आई ऑल्सो सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं, और आपका हाँ, तो ये आपका जो चौथा है ऑर्थो सेंटर के बारे में पहले बात कर लेते हैं, ऑर्थो सेंटर के बारे में भी देख लेते हैं। इसके भी केंद्र जो हमारा, अभी मैं इसे रिसेट कर दूं तो यहां पे आ गया, ये देखो यहां पे आपका ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर होता क्या है, आपका एल्टीट्यूड का, एल्टीट्यूड का देखो, इस कोण से मैंने जो एल्टीट्यूड खींचा है, इस कोण से एल्टीट्यूड खींचा है, इस कोण से एल्टीट्यूड खींचा है, और एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन है वो ऑर्थो सेंटर कहलाता है। अभी मैं इसे राइट एंगल ट्रेंगल बना दूं, लो मैंने राइट एंगल ट्रेंगल इधर बनाता हूं, राइट एंगल ट्रेंगल मैंने बना दिया, चलो इधर ही बनाता हूं। जब मैंने राइट एंगल ट्रेंगल बनाया तो आपने देखा केंद्र कहां गया, ध्यान दीजिएगा, अभी ये एक्यूट एंगल ट्रेंगल है, कहां है केंद्र, देखिए, और जैसे जैसे मैं उसे राइट एंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूं वो जाके एकदम जहां पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है केंद्र, वहां पे जाके छुप गया। और जैसे ही मैं इसे ऑप्टिकस बनाऊंगा वो केंद्र देखिए भग रहा है कि नहीं भग रहा है, केंद्र आपका भग रहा है, यानी कि वो कहां चला गया, त्रिभुज के बाहर चला गया। तो आप जान सकते हो कि ऑर्थो सेंटर में अगर आपका त्रिभुज क्या होगा, एक्यूट होगा, तो आपका जो कोण होगा वो अंदर होगा। अगर आपका राइट एंगल है तो आपका जो कोण होगा वो किस पे होगा, जहां पे 90 डिग्री बन रहा है वहां पे होगा। और अगर ये ऑब्ट्यूस होगा तो कोण आपका कहां जाएगा, भाग जाएगा, नीचे की तरफ भाग जाएगा, या त्रिभुज से बाहर भाग जाएगा। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैं आपको एनिमेशन के माध्यम से दिखाने की कोशिश करना चाह रहा था। तो अभी क्या समझ में आया, यहां पे बेसिकली समझ लेते हैं कि जो हमारा सेंट्रॉइड था, वो सारे केस में, किस में, चाहे एक्यूट एंगल हो, एक्यूट एंगल ट्रेंगल हो,
चाहे आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो, चाहे आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक। जो सेंट्रॉइड है वो हमेशा कहाँ रहेगा, इनसाइड रहेगा, इसमें भी इनसाइड रहेगा और इसमें भी इनसाइड रहेगा। और यही आपका क्या था, इन रेडियस, इन सेंटर के साथ भी था, अंतः केंद्र के साथ भी यही था, ये भी इनसाइड ही था, ये भी इनसाइड ही था और ये भी इनसाइड ही था, है ना। जबकि आपका राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में सॉरी ऑर्थो सेंटर, और उसकी बात करें अगर ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर में क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल पे तो एकदम बाउंड्री पे था और ऑब्ट्यूस में आउटसाइड था और यहाँ पे क्या था, इनसाइड पे था और यहाँ पे बाउंड्री पे था। और ठीक ऐसे आपका सभी में, मतलब कि दो के लिए आपका क्या था, दो के लिए अंदर और दो के लिए बाहर, तो आप सेंट्रॉइड के लिए सब अंदर, सर्कम सेंटर के लिए दो अंदर दो बाहर, मतलब कि अगर आपका राइट है तो ये हाइपोटेनस पे रहेगा और जैसे ही ऑब्ट्यूस होगा वो बाहर हो जाएगा, तो ये भी बाहर हो जाएगा सर्कम सेंटर भी। तो वहाँ पे हम देख लेते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं, तो यहाँ पे देख ले, सर्कम सेंटर भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए इनसाइड रहेगा, ऑब्ट्यूस के लिए आउटसाइड रहेगा और यह किस पे रहेगा, हाइपोटेनस पे रहेगा। तो ये बेसिक सी प्रॉपर्टी आपको समझ में आनी चाहिए, डायरेक्ट थ्योरी में क्वेश्चन पूछ लेता है और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, बाकी तो हम एक एक प्रॉपर्टी देखेंगे तो समझते हुए चलेंगे। जैसे सेंट्रॉइड की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, सेंट्रॉइड को मैंने बताया कि जी से डिनोट करते हैं, फिगर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम तीनों सेंट्रॉइड को जो है, तीनों मीडियन को मिलाएं, तो अगर हमारा एक मीडियन BE हो, एक मीडियन AD हो, एक मीडियन CF हो, तो जो AG अपॉन GD होगा, मतलब कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक खींचें, रेड से खींच रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से दिखे, AG से GD अगर खींचेंगे तो इसका जो रेशियो AG टू GD होगा वही रेशियो होगा BG इज टू GE होगा और वही रेशियो क्या हो जाएगा, CG इज टू CF हो जाएगा अगर ये G पॉइंट है। और ये किसके बराबर होगा, ये ऊपर वाला भाग 2 होगा और नीचे वाला भाग क्या होगा, 1 होगा, यानी कि 2:1 के बराबर होगा। और बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है, बहुत बार पूछता है इस पे। दूसरी बात, अगर कोई भी एक का एरिया देख लें, जैसे अभी हम केवल इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का अगर एरिया देखें, तो इसका जो भी एरिया रहा होगा, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है इस पूरे एरिया को दो बराबर भागों में बांट रही है, ऐसे ही ये वाली लाइन इस वाले एरिया को दो बराबर भागों में बांट रही है। क्यों, क्योंकि आप देखो बेस आपका लगभग सेम है, ये भी बेस बराबर है, ये बेस बराबर है और हाइट सेम है, तो एक ही बेस पे सेम हाइट पे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। ऐसे ही ये भी होगा, सेम बेस पे और सेम हाइट पे अगर दो त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल बराबर होगा, मतलब सारे क्षेत्रफल आपस में बराबर हो गए तो किसी एक का क्षेत्रफल लोगे तो वो 1/6 होगा टोटल का। और अगर FGE का केवल ले लोगे, मतलब कि अगर आप इसका एरिया केवल ले लोगे, इसका ये वाला पार्ट, तो दूसरे कलर से डिनोट करूं, इस वाले पार्ट का अगर एरिया ले लोगे, FGE की बात कर रहा हूं, यहां पे देखिएगा FGE की बात कर रहा हूं, अगर इसका एरिया केवल ले लोगे तो ये पूरे त्रिभुज का कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, कोई भी एक 1/6 हो जाएगा, है ना, और वो कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। और अगर केवल मिड पॉइंट को मिला लोगे, मिड पॉइंट को मिला लोगे, कहने का मतलब अगर ये डी ई और एफ मिला लोगे, ये वाला क्षेत्रफल पूरा का पूरा ये कितना हो जाएगा, ये पूरे त्रिभुज का 1/4 हो जाएगा। तो ये बातें हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। कुछ प्रॉपर्टी हम और देख लेते हैं, जैसे ये हमारा, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड में यहाँ पे हमने सर्कल खींचने का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है, वो जो मिलेगा हमारा सर्कम सेंटर से मिलेगा। और सर्कम सेंटर एग्जैक्टली होता क्या है, परपेंडिकुलर जो आपका बाइसेक्टर है उसका इंटरसेक्शन, परपेंडिकुलर मतलब ये दोनों बराबर हों और इसके परपेंडिकुलर हों, उसका जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या देता है, आपका सर्कम सेंटर देता है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी एंगल की आती है, वो क्या होती है, अगर आप इस लाइन को पूरा मिलाओ, ऐसे मिलाओ, इसे इसे मिला दो, तो ये वाला जो कोण होगा AMB होगा, जो AMB होगा ये अपोजिट वाले कोण के क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। आप कोई भी सर्कल ले लो, कोई भी सर्कल ले लो और इसमें कुछ ऐसा फिगर बनाओ, ये एक इसमें त्रिभुज बनाओ और त्रिभुज का एक केंद्र है, ये केंद्र से ये वाला, तो जो ये कोण होगा ये हमेशा इस कोण का, ये मैं सर्कल में भी बताऊंगा, ये कोण इस वाले सर्कल का हमेशा दुगना होगा। अगर ये एक्स होगा तो ये क्या होगा,
टू एक्स होगा, और इसके अगर अपोजिट में खींच दोगे तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, ये एक्स होगा तो ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा, ये सर्कल में हम प्रॉपर्टी समझेंगे। तो एग्जैक्टली ऐसे यहाँ पे है, ठीक ऐसे अगर आप ये वाली लाइन मिला दो तो ये वाला जो कोण होगा ये किसके 2b के बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा 2c के बराबर हो जाएगा, ठीक ऐसे ये 2a के बराबर हो जाएगा। इतनी छोटी सी प्रॉपर्टी यहाँ पे, इस बात को आपको समझना है। प्लस क्योंकि ये सर्कम सेंटर क्या है, सेंट्रॉइड है ना, ये सॉरी सर्कम सेंटर है, तो सर्कम सेंटर है तो मैंने बताया कि इसका वर्टिसेस से हमेशा दूरी जो होती है वो बराबर होती है, और इसे किससे लिखते हैं, डिनोट करते हैं R से डिनोट करते हैं, कैपिटल R से, और कैपिटल R की जो वैल्यू होती है वो ए बी सी अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रेंगल होती है। 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रेंगल, ए बी सी क्या है, आप ऐसे समझो कि यहाँ पे मैं कोई त्रिभुज बनाऊँ ए बी सी, ये त्रिभुज है मेरा ए बी सी, ए के सामने ए है, बी के सामने बी है, इसकी बी लेंथ है भुजा की, सी के सामने सी है, तो ए बी सी इसकी भुजा की जो लेंथ है उसका आपस में मैं मल्टीप्लाई कर दूं, और अगर अपॉन इसका मुझे एरिया पता हो और उस एरिया को 4a चार से गुणा कर दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, सरकम रेडियस पता चल जाएगा, मतलब वो मुझे त्रिज्या पता चल जाएगी जो इसकी परित्रिज्या होगी, सर्कम रेडियस होगी, वो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इन सेंटर की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमने सर्कम सेंटर में देखा ऐसे इन सेंटर की प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं ये पूरा आप समझ रहे हो इन सेंटर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है, तो ए आई बी अगर मैं ले लूँ, ये ए है, ये आई है, ये बी है, तो ये वाला जो कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा, ये एंगल सी का, एंगल सी का अगर मैं आधा कर लूँ और उसमें 90 जोड़ दूँ तो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक ऐसे अगर मैं ये नीचे वाली एंगल ले लूं तो इसके विपरीत वाले में, मतलब ए का मैं आधा कर दूं और उसमें 90 जोड़ दूं तो मेरा क्या पता चल जाएगा, बी आई सी पता चल जाएगा। ऐसे ए आई सी पता करने के लिए बी का आधा प्लस 90 कर दोगे तो आपका पता चल जाएगा। तो ये बेसिक सी आपकी प्रॉपर्टी है इन सेंटर की। कुछ और प्रॉपर्टी है इन सेंटर की देख लेते हैं। अगर आपका कोई त्रिभुज इन सेंटर, आप जानते हो कि वो अंदर आपकी त्रिज्या बनी है और तीनों भुजाओं को छू रही है, आप समझिएगा ये जो यहाँ से दूरी, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है भाई, ये तो परपेंडिकुलर है, यहाँ पे अगर कोई मध्य की दूरी है ये परपेंडिकुलर है, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसकी त्रिज्या है, अंतर त्रिज्या बोला जाएगा, अंतर त्रिज्या तो आर 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 सब में समान होगा। अब अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ, ऐसे समझिए आप इसे सर्कल में भी पढ़ेंगे, ये इन दोनों का टेंजेंट है, टेंजेंट है तो यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये एक्स एक्स बराबर होगा, जेड जेड बराबर होगा, वाई वाई बराबर होगा। ऐसे केस में जो आर की वैल्यू हो जाएगी, आर की वैल्यू मैं अलग से लिख दे रहा हूँ अगर यहाँ पे नहीं समझ में आए, आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो अंडर रूट पूरे का एक्स वाई जेड, एक कोई भी एक्स ले लो, यहाँ पे वाई ले लो, यहाँ पे जेड ले लो, अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। मैं इसे प्रूफ करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्रॉपर्टी दिमाग में होनी चाहिए, एग्जाम में अगर आए, हालांकि ज़्यादा पैसे के नहीं आएगा, अगर आएगा अगर लोअर के एग्जाम में तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे आएगा, इसलिए मैं जरूरी प्रॉपर्टी आपको समझाना बेहतर समझ रहा हूँ, तो इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रूफ करने में बहुत ज़्यादा समय जाएगा इसलिए मैं बताने की जरूरत नहीं है, और ना ही आप यहाँ पे सीजीएल के टीयर 2 जैसे एग्जाम देने जा रहे हो जहाँ पे आपको उसके डेरिवेशन से क्वेश्चन पूछ लेगा, पूछेगा क्वेश्चन तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे पूछेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पे पूछेगा। दूसरी चीज अभी आप समझिएगा कि अगर यहाँ पे मैं ए आई सी निकालूं, आप इसे छोटा सा फिगर बनाया हूँ आप ऐसे समझिए, ये ऐसी लाइन है ना, ए आई सी है ना, ये ए है, आई है, अब मैं वहां पे निकालूं या बी आई सी निकालूं, ऐसे समझिए ये फिगर है आपका, ये आपका रेडियस है, इन रेडियस इन सेंटर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और यहाँ पे इन रेडियस है, मैं बी आई सी निकालूं तो ये ए के हाफ में 90 करके, ये तो मैं बताया था, जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझनी चाहिए, और अगर यही चीज़ आप क्रॉस ले आओ, दूसरी साइड पे मिला दो मतलब कि ये यहाँ पे आके मिला दो तो क्या हो जाएगा, वो 90 माइनस हाफ ए हो जाएगा, है ना, ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो 90 माइनस 1/2 ए हो जाएगा, इस बात को भी हमें समझना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ऑर्थो सेंटर की कुछ प्रॉपर्टियाँ होती हैं, ऑर्थो सेंटर में भी वही है, सिंपल सा बी ओ सी जो होता है, बी ओ सी होगा वो 180 माइनस एंगल हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्या बी ओ सी जो हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा। सिमिलरली अगर ए ओ सी कर ले रहे हो तो 180 में से अपोजिट वाला माइनस कर दो, सिमिलरली अगर आप ए ओ बी ले रहे हो तो अपोजिट वाला 180 में से माइनस कर दोगे, आपका आ जाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ की और होती हैं, अगर आप ए बी बी सी और सी ए का अनुपात लोगे तो वो जो एक का, मान के चलो कि आपका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट
वन अपॉन क्या हो जाएगा, सी एफ इज टू वन अपॉन ए डी इज टू वन अपॉन बी ई हो जाएगा। तो ये पूरा सी एफ देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक उसके रेसिप्रोकल का हो जाएगा। तो इस बात को आप समझिएगा एल्टीट्यूड के, ये बेसिकली साइड है, ये बेसिकली एल्टीट्यूड है, ये आप अच्छे से समझिएगा। कुछ प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया था वहाँ पे क्या कि हम देखेंगे त्रिभुज के अंदर कैसे लाई करता है। अगर आपका ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है, एक्यूट एंगल है। इसमें क्या होता है, आपका जो सरकम सेंटर होता है, सरकम सेंटर आपका जो सेंट्राइड होता है, माध्यिका का जो इंटरसेक्शन होता है, आपका जो ऑर्थो सेंटर होता है एल्टीट्यूड का होता है, सर्कम सेंटर किसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तीनों एक ही रेखा में होती है, एक ही रेखा में होती है, जबकि आई सेंटर इस रेखा में नहीं होता, किसके, न्यून कोण के लिए। अगर आपका ऑप्टियूस अधिक कोण के लिए देखोगे, ऑप्टियूस एंगल ट्रायंगल के लिए देखोगे, ऑप्टियूस यानी कि अधिक कोण त्रिभुज के लिए देखोगे, तो वहां पे जो आपका जी होता है यानी कि सेंट्रॉइड होता है, और जो सर्कम सेंटर होता है वो एक ही लाइन में होता है, लेकिन जो हमारा सर्कम सेंटर होता है ऑप्टियूस एंगल में कहाँ होता है, बाहर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्टियूस में सर्कम सेंटर बाहर है, और कहाँ पे सर्कम सेंटर बाहर है, यहाँ पे आपका, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ऑप्टियूस में सर्कम सेंटर आपका बाहर हो जाता है और ये एक ही लाइन में होता है, और आपका ऑर्थो सेंटर भी बाहर है। तो ऑप्टियूस एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर और ऑप्टियूस ऑर्थो सेंटर दोनों क्या होंगे, बाहर होंगे, जबकि आई और जी अंदर होंगे, और ओ जी और सी तीनों एक ही लाइन में हैं। यहाँ पे आप देखोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में मतलब कि समबाहु त्रिभुज में ओ आई जी और सी एक ही पे है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वरना गड़बड़ हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक ही, और किस पे, एल्टीट्यूड पे ही लाई करते हैं, एक ही में। सबसे नीचे आपका क्या होगा, ऑर्थो सेंटर, फिलिंग सेंटर, फिर आपका सेंट्रॉइड हो जाएगा, फिर आपका सर्कम सेंटर हो जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, आपका फिर से ओ और जी और सी एक लाइन हो जाएगा, लेकिन आई अलग हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एक बेसिक ऑब्जर्वेशन देख सकते हो। एक चीज़ और मैं बता दूँ यहाँ पे पहले, तब मैं फिर आपको ऑब्जर्व करवाता हूँ। अगर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपका जी इसी बिंदु पे ही जी होगा, इसी बिंदु पे ही सर्कम सेंटर होगा, इसी बिंदु पे ही आपका इन सेंटर होगा, और इसी बिंदु पे ही आपका ऑर्थो सेंटर होगा। मतलब कि आपका केंद्रक, आपका परिकेंद्र, आपका लंब केंद्र और आपका अंतः केंद्र, सारी की सारी चीज़ें एक ही बिंदु पे होगी, किसके लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए सभी एक ही पॉइंट पे रहेंगे। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि सभी इन चारों में, किसी का भी हो, आप एक ही लाइन में बोल सकते हो, कौन कौन ऑर्थो सेंटर यानी कि ओ, और आपका सेंट्रॉइड, और आपका क्या, सर्कम सेंटर, ये हमेशा एक ही लाइन में होते हैं, क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। कई बार सीधा शब्द पूछ लेता है, एक रेखीय होते हैं, ये कोलिनियर होते हैं हमेशा, कोई भी होगा फिगर, कोई भी होगा, ये तीन आपको एक ही लाइन में देखेंगे, जबकि इन सेंटर केवल और केवल आइसोसेलस और समबाहु त्रिभुज में इकट्ठा आता है। क्यों, इसका कारण क्या है, क्योंकि इन सेंटर भी सिमेट्री फॉलो करता है और आपका यहाँ पे भी सिमेट्री फॉलो करता है, दोनों भुजाएं बराबर होती है, दोनों कोण बराबर होता है, तो ये एकदम सेंटर पे आ जाता है, इस कारण से वो बराबर हो जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इतनी बेसिक सी आपकी जो प्रॉपर्टी थी वो ट्रायंगल के सेंटर की प्रॉपर्टी थी। उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी जो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया हूँ। कुछ और भी चीज़ें हैं आपका, हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया वगैरह, वो मैं आपका जब 2D पढ़ाऊंगा, 2D पढ़ाऊंगा तो उसी में आपका राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी और आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको वहाँ से समझ में आ जाएंगी। अभी इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम सर्कल पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर एक क्लास में मैं इसका क्वेश्चन करवा दूंगा, लाइव क्वेश्चन करवा दूंगा, अटेंड कर लीजिएगा। आप लोग भी बहुत अच्छे से वहाँ पे ज्योमेट्री के क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा दूंगा, ताकि आपका जो यहाँ पे मजबूती आ जाए। ये केवल थ्योरी पार्ट होता है, इसलिए ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, समय आपका भी जाएगा, समय हमारा भी जाएगा, हालांकि मेरे समय का कोई दिक्कत नहीं, आपका ना जाए, क्योंकि आप उस समय में ज़्यादा पढ़ लोगे। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग डेडिकेटेड रहो, आप लोग की तैयारी जैसे चल रही, भले ही अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ है, इसके लिए हमें
चिंता का विषय नहीं करना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये लास्ट टाइम हो सकता है कि लोअर आपका अधीनस्थ करा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है फिर से आयोग में। दो अलग अलग कमेटियाँ हैं, अंदर की बात मैं बता रहा हूँ, और विवाद ये चल रहा है। कुछ ऐसे राजस्व विभाग के कुछ ऐसे पद हैं जिनके कारण कुछ लोग बोल रहे हैं कि फिर से आयोग में लाया जाए इसका, हमारा परीक्षा पैटर्न जैसा देखा जा रहा है, फिर से UPSC करवाए। UPSC करवाएगी तो फिर से GS का वेटेज ज़्यादा होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा, जैसे PCS मेंस का पेपर होता है। वैसे में आपके फिर जो वनडे वाले बच्चे होते हैं उनके लिए चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पहाड़ है, करवा भी सकते हो, लेकिन अनावश्यक आपकी मेहनत तो बढ़ जाएगी। आप पहले प्री निकालोगे, वहाँ पे भी कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, फिर आप मेंस में डिस्क्रिप्टिव रहेगा जहाँ पे आपकी लिखने ऑब्जेक्टिव कर करके लिखने की क्षमता खत्म हो जाती है, आपके लेखन शैली की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो अल्टीमेटली आपका PCS ही हो गया है ना, तो वो बहुत दिक्कत आ जाएगी आपको। इसलिए मैं फिर से बहुत पीस और काम माइंड से आप सोचना कि हो सकता है ये पहला और अंतिम चांस हो जो लोअर मेंस की परीक्षा आप अधीनस्थ से दे रहे हो और इतने आसान वे में दे रहे हो। उन्होंने बोला है प्रश्नों का उत्तर जो स्तर होगा वो टफ होगा, लेकिन इतना भी टफ नहीं होगा कि आपसे बाहर होगा। लगातार हम पिछले 4 महीने से डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, 100 से ज़्यादा टेस्ट किए हैं, सारे नोट्स बहुत अच्छे से पढ़े हैं, सारी क्लासेस बहुत व्यापक हुई है। आपकी हिंदी की क्लास हुई, आपके रीजनिंग की क्लास कंप्लीट हो गई, आपके हिस्ट्री की क्लास हो गई है, ज्योग्राफी का मेजर पोर्शन आपका खत्म हो गया है, मैथ्स आपका अबाउट नियर अबाउट टू खत्म करने को मैं हूँ। अब आपका कुछ भी नहीं बच रहा है, एक छोटा सा पार्ट साइंस बच रहा है जो बहुत ही आसान पूछेगा। मैंने जो बेसिक्स पूछ सकता है जहाँ से वो पहले ही करवा दिया है, जो और भी पार्ट होगा मैं आपको करा दूंगा। तो बस उम्मीद ये है कि आप लोग भी इस बात को बहुत सीरियसली लेके पढ़ते रहोगे, भटकाव की स्थिति मौजूद नहीं होगी। परीक्षा प्लस पूरे दम से आपके साथ है कि जितने बच्चे लोअर मेंस में 40-50 बच्चे हमसे जो भी जुड़े हो, 55 बच्चे, सभी का 100% सिलेक्शन देना है, और इस बात की गारंटी भी मैं दे रहा हूँ कि सभी का सिलेक्शन यहाँ पे मेंस में करवाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।